राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर स्थानीय शासकीय अस्पताल में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी, संबंधित जानकारी मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रदान की गई। आयु वर्ग के हिसाब से बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रोग्राम बना रखे हैं। 6 माह के बच्चे से लेके 5 साल तक के बच्चे को हम लोग आंगनवाड़ी के माध्यम से आयरन सिरप देते हैं। किशोर बालक बालिकाओं को सरकारी स्कूल के माध्यम से एक आयरन की टेबलेट प्रति मंगलवार दी जाती है। गर्भवती माताओं को हम लोग आयरन की गोली दे रहे हैं। जो अगर्भवती माता है उनको भी हम लोग आयरन सप्लीमेंट करते रहते हैं। कुपोषण के लिए भी हम लोगों ने आंगनवाड़ी में इंतजाम कर रखे हैं। जो बच्चा कुपोषित है फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का, उसको आंगनवाड़ी से पोषण आहार विकसित करके हम लोग उसका कुपोषण दूर करने की कोशिश करते हैं। जो अति गंभीर कुपोषित है उनको हम लोग जो NRC बनी हुई है अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र, वहाँ पे बच्चों को 14 दिन तक भर्ती करके उसका पोषण दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पर इतने राष्ट्रीय प्रोग्राम चलने के बावजूद भी जो एनीमिया में और जो कुपोषण में जो वांछित परिणाम हमको मिलने चाहिए थे तो वांछित परिणाम हमको नहीं मिल पाए हैं। जब ये इस बारे में खोजबीन हुई तो ये मालूम पड़ा कि इसका कारण है बच्चों के पेट में कृमि का होना, बच्चों के पेट में कीड़े का होना। ये बच्चों के पेट में ये जो कीड़े हैं ये आंत में रहते हैं, आंत में ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पचा पचाया खाना इनको मिलता है। ये परजीवी रहते हैं, अपना कुछ काम धाम नहीं करते, अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों के खाने में पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। आंत में ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे पचा पचाया खाना पहुँचता है और सीधे जो रक्त की नलियां रहती हैं उनसे सीधे रक्त चूसते हैं। तो इनके रक्त चूसने से चाहे हम कितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम में उनको खून बढ़ाने की आयरन के सायरप दे, आयरन की गोलियां दे, वो सारी गोलियां सायरप को कीड़ा खा रहा है। कुपोषण के लिए हम लोग चाहे कितने भी पोषण आहार वितरित करें, हरी सब्जियां खाने के लिए समुदाय को समझाएं, पोषक आहार के लिए समुदाय को समझाए, उन समुदाय को अपनी आदतें सुधारने के लिए, खान पान संबंधी आदत सुधारने के लिए जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और उसका असर सीधा सीधा कीड़े पे आ रहा है। सारा पोषण आहार जो वो कीड़ा खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये तय हुआ है कि 9 फरवरी को पूरे राष्ट्र में ये प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम है, पूरे राष्ट्र में 9 फरवरी को 1 साल से लेके 19 साल के बच्चों को पेट में कीड़े मारने की एक गोली अल्वेंटा जोल, इस गोली का नाम है, 400 mg की गोली होती है। ये गोली 1 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे को 9 फरवरी को खिलाई जाएगी। 1 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम आंगनवाड़ी के माध्यम से गोली खिलाएंगे। 5 साल से मतलब 6 साल से मतलब कक्षा 1 से लेके 19 साल तक, कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको हम लोग स्कूलों के माध्यम से मतलब आप लोगों के माध्यम से हम लोग उनको गोली खिलाएंगे। स्कूल एक बहुत बड़ा मंच है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इतने सारे हिजड़ाई एक ही जगह पर उपस्थित है। कहीं हमको घर घर नहीं जाना है, कहीं लाइन स्टिंग नहीं करनी है, आपके पास में अपनी कक्षा का उपस्थिति रजिस्टर है, उससे आपको पूरी डाटा एंट्री करने में सुविधा है कि कितने बच्चे यहाँ पे थे, कितने बच्चे आए, कितने बच्चों ने गोली खाई। तो एक इतना बड़ा मंच है। दूसरी बात क्या है कि एक टीचर की, एक गुरु की जो समुदाय में जो भूमिका है आदिकाल सनातन काल से एक बहुत ही प्रतिष्ठित भूमिका रही है। आप लोगों की बात का, आप लोगों के आदेश का जो न केवल छात्र पे बल्कि उसके माता पिता पे, उनके परिजनों पे और समुदाय में भी एक एक विशेष प्रकार का वजन है। आपकी बात एक तरह से पत्थर की लकीर मान के समुदाय चलता है। तो आपकी इसी भूमिका का हम लोग इस प्रोग्राम में उपयोग करते हैं और आपके माध्यम से 1 साल लेके 19 साल तक के बच्चों को ये कीड़े की गोली खिलाने की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो छोटी सी ट्रेनिंग में हम लोग ये जानेंगे कि कीड़े कितने प्रकार के होते हैं, कीड़े किस तरह से मिलते हैं, कीड़े के क्या लक्षण होते हैं, कीड़े की गोली आपको प्रोग्राम में किस तरह से देना है, अगर गोली खाने के बाद में किसी तरह की कोई रिएक्शन होती है तो उसको किस तरह से निपटना है और आखिर में किस तरह से हमको उसकी रिपोर्टिंग करना है। ये एक इमरजेंसी एक पास में पहुंच गया है, जिनके पास नहीं आया अभी मिल जाएगा उनको, अभी दिलवा देता हूँ। और एक अल्बेंडाजोल की गोली है, सफेद कलर की गोली है। तो आपके स्कूल के बच्चों की संख्या के मान से आप लोग गोलियां ले लें और उन संख्या में प्लस एक आप अपने आप को भी जोड़ लें, क्योंकि इस हाल में बैठे हुए या खड़े हुए जितने भी लोग हैं मेरे समेत उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पेट में कीड़े नहीं हो।
हम सभी लोग के पेट में कीड़े हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब मैंने शासकीय स्कूल के 466 टीचरों की खाचुक में ट्रेनिंग दी थी, तो मैंने उनके सामने खुद ने गोली खा के दिखाई थी। उससे दो फायदे हुए थे, एक तो जो शिक्षक है उनको प्रोग्राम में और गोली में भरोसा आया था कि गोली बिल्कुल असरकारक है, डॉक्टर खुद खा के दिखा रहे हैं, और दूसरा फायदा ये हुआ था कि मेरे पेट के कीड़े भी मर गए थे। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप लोग प्रोग्राम शुरू करें तो अपने बच्चों के सामने पहली गोली आप खुद खाएं, तो उससे एक फायदा होगा कि बच्चों में और बच्चों के परिजन में प्रोग्राम में और गोली के लिए विश्वास आएगा, और दूसरा फायदा होगा कि आप पेट के कृमि से मुक्त होंगे भी पाया जाता है। तो जो बच्चे नंगे पैर मैदान में घूमते हैं, नंगे पैर खेलते हैं, तो उनकी पेट की चमड़ी से ये हुक जैसा अंदर फंस जाता है खून में, और खून से सीधा पेट में चला जाता है। तो ये कीड़े के लिए आवश्यकता नहीं है कि ये मुंह से जाए, ये पैर की चमड़ी नंगे पैर का। और तीसरा कीड़ा होता है जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, जो कि गोल गोल आकार का होता है। ये राउंड वर्म कीड़ा आंख में विटामिन ए लेता है। आप जैसे जो हमारे जो शासकीय टीचर वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हर 9 महीने के बच्चे के हर 6 महीने बाद हम विटामिन ए की 9 खुराक देते हैं 5 साल तक। उसका महत्वपूर्ण विटामिन ए का महत्वपूर्ण काम है आंखों की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है, और पूरे विश्व में 50,000 बच्चे हर साल विटामिन ए की कमी के कारण अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। तो हम लोग तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, विटामिन ए का सप्लीमेंट दे रहे हैं, हमारा विभाग जा रहा है, घर घर जा रहा है, बच्चों को विटामिन ए की 9 खुराक भी दे रहा है, पर अगर उसके पेट में राउंड वर्म है तो विटामिन ए वो खा रहा है, बच्चों को विटामिन नहीं मिलेगा। तो ये मान के चले कि निश्चित रूप से 9 तारीख को हम एक बहुत ही पुण्य का काम शुरू करने जा रहे हैं। साधारणतः जो समुदाय के जो व्यवहार है उन व्यवहारों पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। व्यवहार से मतलब समुदाय की आदतें, जिनके कारण से कीड़े एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, या वातावरण से बच्चे में, या बच्चे से बड़े में, या एक बड़े से दूसरे बड़े में फैलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसे खुले में शोच, जैसा कि एक कीड़े एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने का जो रूट रहता है, जो रास्ता रहता है, वो हमारी मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। फीको का मतलब होता है मल, ओरल का मतलब होता है मुंह, और रूट का मतलब होता है रास्ता। मतलब कीड़े उस रास्ते से फैलते हैं कि मल सीधे आदमी के मुंह के द्वारा पेट में कीड़े जाते हैं, मल आदमी के मुंह में आता है और मुंह से फिर वो कीड़े पेट में जाके, कीड़े के अंडे पेट में जाके लार्वा और एडल्ट कीड़े बनते हैं। तो इस रूट से स्पष्ट लग रहा है कि जहाँ पे अस्वच्छता होगी, जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इस समुदाय में जहाँ की कम्युनिटी में ध्यान नहीं रखा जाएगा, वहाँ की कम्युनिटी में कीड़े का संक्रमण बहुत तेजी से होगा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो खुले में शौच करना। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 4 साल से लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में आंदोलन चला रहे हैं, काफ़ी स्थितियाँ सुधार में आई है, पर फिर भी कई जगह ऐसी स्थिति के खुले में शौच करना। एक राजू का उदाहरण लिया है, राजू ये एक गांव का बच्चा है, आम बच्चों की तरह ये भी खुले में शौच करता था। ये तो हमको समुदाय को, हमारे छात्रों को, छात्र के माता पिता को, जब भी टीचर पेरेंट बैठक होती है या जब कभी भी हमको मंच मिले, मौका मिले, तो हमको इन समुदाय की इन आदतों के बारे में बात करना आवश्यक है। जैसे कि नंगे पैर खेलना या घूमना नहीं है, मैंने आपको बताया कि हुक वर्म जो होता है वो सीधा पैर की चमड़ी के रास्ते अंदर जाके पेट में चला जाता है। तो समुदाय में ये बात करना है कि ये आदत, ये व्यवहार अपना बदले कि बच्चा नंगे पैर नहीं घूमे, नंगे पैर नहीं खेले, बिना हाथ धोए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये रूट फैलने का मुख्य कारण अस्वच्छता। तो समुदाय में ये बात फैलाएं कि आदत डाले कि शौच जाने के बाद में हाथ धोने की आदत डाले, खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत डाले, खाना बनाने से पहले हाथ धोने की आदत डाले, अगर कोई बच्चा छोटा है तो माँ बच्चे को खाना खिलाने से पहले हाथ धोने की आदत डाले। एक हाथ धोने की एक छोटी सी आदत के कारण, इस व्यवहार परिवर्तन के कारण हम बहुत सारी, न केवल कीड़े, बहुत सारी टाइफाइड है, पीलिया है, पोलियो भी इसी तरह से माध्यम से फैलता है, इन सब बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। तो एक समुदाय में ये भी व्यवहार परिवर्तन करना हमारा उद्देश्य है कि वो हाथ धोने की आदत डाले, खुले में शौच नहीं करना है, शौच करने के बाद हाथ धोना है। फल और सब्जियाँ,
जो फल और सब्जियां साधारणतः हम लोग बिना धोए अगर खा लें तो उसकी मिट्टी में कीड़ों के अंडे रहते हैं, वो अंडे फल बिना धोए हुए फल और सब्जियों के माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं पेट में और हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। ये न केवल गाँव अंगूर खा लिए, तो समुदाय में हम लोगों को ये संदेश देना है कि फल और सब्जियां अच्छी तरह से धोकर खाएं, खाना और पीने का पानी को हमेशा ढक के रखें। आपने गर्मा गर्म ताज़ा खाना बनाया है, एक मक्खी जो कहीं मल पड़ा हुआ है, ऐसा मल पड़ा हुआ है जिसमें कीड़े के अंडे हैं, वो मक्खी उस मल पे बैठती है। मक्खी के पेड़ रुएदार पेड़ होते हैं, उसमें बहुत सारे रुए होते हैं। जब वो मक्खी किसी मल पे बैठती है तो लाखों की संख्या में कीड़े के अंडे वो अपने पेड़ पर जमा हो जाते, इकट्ठे हो जाते। वही मक्खी थोड़ी देर बाद उड़ती हुई आपके खाने पर आके बैठती है और वहाँ जो उसके पेड़ में जो कीड़ों के अंडे हैं वो आपके खाने पे छोड़ के चली जाती है। तो आपका ताज़ा बनाया गर्मा गर्म बनाया खाना संक्रमित हो जाता है कीड़े के अंडों से और आप कीड़े के शिकार बन जाते हैं। तो इन सब ये जो ऐसे कारण है इसके आधार पर मैंने शुरुआत में कहा है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पेट में कीड़े नहीं है, तो हम लोगों को भी गोली खाना है। 700 की संख्या के साथ में एक संख्या आप लोग अपनी भी जोड़ें, कैल्शियम खिलाए, विटामिन खिलाए, विटामिन ए खिलाए, वो सारा कीड़े ले रहा है। पोषक तत्व देने के बाद भी, इतने सारे नेशनल प्रोग्राम चलने के बाद भी मात्र पेट में कीड़े होने के कारण हम लोगों को वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। तो पोषक तत्व जितने भी खा वो बच्चा खा रहा है, वो कीड़े खा रहे हैं, तो बच्चा कुपोषण में आ जाएगा। बच्चे की शारीरिक विकास पर असर आएगा, बच्चा शारीरिक विकास, शारीरिक क्षमता उसकी कम होगी, न केवल शारीरिक, धीरे धीरे उसकी मानसिक क्षमता भी कमजोर होगी, उसकी मानसिक एकाग्रता पर असर आएगा। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, बच्चे की स्कूल में अनुपस्थिति बढ़ेगी और धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई में पिछड़ता जाएगा। तो एक अगर कीड़े की गोली नहीं दे तो एक शारीरिक रूप से भी कमजोर और मानसिक रूप से भी कमजोर भारत बनेगा अगर हम लोग कीड़े की गोली नहीं देते। तो निश्चित रूप से एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 9 तारीख को हम लोग एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से तेज तर्रार भारत के निर्माण के लिए हम लोग 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को कीड़े की गोली दे रहा है। इसके अलावा जो बच्चों में लक्षण होते हैं, बच्चों में पेट में कीड़े के कारण पेट में दर्द होने लगता है, बच्चों को बार बार उल्टियाँ होगी, बच्चों को बार बार दस्त लगेंगे, ये कीड़े के लक्षण हुए। इस बारे में भी हमने बात की है, अगर कोई बच्चा खुले में शौच कर रहा है, ऐसा बच्चा जिसके पेट में कीड़े हैं वो अपने मल में कीड़ों के अंडे देगा, वहाँ की मिट्टी संक्रमित हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो मैदान में खेल रहे हैं और बिना हाथ धोए घर आके खाना खा लेते हैं, या ऐसे बच्चे जो खुले नंगे पैर घूम रहे हैं, उनके पैर के माध्यम से वो कीड़े दूसरे बच्चों में पहुँचते हैं और बच्चा फिर कहता है, जिससे बच्चा कभी निकल नहीं पाता है। तो हमने कृमि कितने प्रकार के होते ये देखा, कृमि के लक्षण क्या होते ये देखा, कृमि किस तरह से फैलते हैं ये सब हमने देखा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी कृमि को मारने के लिए अल्बेंडाजोल की गोली, एक गोली जो है ये जो गोली कीड़े मारने की गोली, इसका मेडिकल नाम है अल्बेंडाजोल गोली है। ये तीनों प्रकार के कीड़े जो मैंने बताए हैं, हुकवाम, राउंड वाम, वीप वाम, ये तीनों प्रकार के कीड़ों को पूरी तरह से मारने में प्रभावशाली, असरकारी, सक्षम गोली है और ये गोली बहुत ही सुरक्षित है। इस गोली को खाने से किसी भी तरह की कोई भी प्रतिकूल घटना, एलर्जी रिएक्शन नहीं होती है और ये गोली तीनों प्रकार के कीड़ों को मारने में सक्षम है। एक गोली तीनों प्रकार के कीड़े को मारने में सक्षम है। 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली दी जाती है और 3 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों को पूरी गोली दी जाती है, क्योंकि आपके पास में 5 साल से कम के इंद्रा किसी के पास में नहीं होंगे। कोई प्ले स्कूल वाले हैं क्या? एक साल से छोटे बच्चों को गोली नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात, 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली देना है। तो मेरे ख्याल से आपके पास में 2 साल तक का बच्चा तो नहीं होगा, वो हम आंगनवाड़ी के माध्यम से देते होंगे। और 2 साल से ऊपर 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको ये पूरी गोली देना है, ठीक है? सर मेरा ये कि अगर जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब छठी, सातवीं, 6-7 साल का भी बच्चा अगर है तो हम उससे बोले कि ये गोली बहुत सॉफ्ट है, मैं बताता हूँ आपको, मैं 2 चम्मच के बीच में रखेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे, चूरा हो जाएगा। गोली का चूरा करके बच्चे को पानी में घोल के बच्चे को पिला दें। और बड़े बच्चा है, जो बड़ा बच्चा है उसको बोलना है गोली मुंह में रख के चबाएं,
और फिर पानी से उतारे, गोली निगलने के लिए नहीं बोलना है। छोटा बच्चा है उसको बोलना है गोली को चूरा करके पीस के देना है, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको बोलना है कि गोली चबा कर निगलना है, गोली चबाना है, गोली खड़ी नहीं लेना है, क्योंकि गोली का साइज ऐसा बड़ा है। छोटा बच्चा है अगर कभी सांस की नली में चली गई उसके तो दूसरे नुकसान हो सकते हैं उनको, इसलिए बच्चे को बोलना है गोली चबा कर ले। पांच बार, छठी बार, गोली अपने सामने ही बच्चे को खिलाना है, किसी भी हालत में बच्चे को गोली घर ले जाके खाने के लिए नहीं देना है। या अगर कोई बोलता भी है कि मैंने तो यहाँ खा ली, मेरा भाई घर पे है, या परिजन बोलते हैं कि हमारे एक बच्चे ने यहाँ खा ली, एक बच्चा घर पे है, हमको गोली दे दो, हम उसको घर पे खिला देंगे, तो गोली नहीं देना है। छठी बात, जो बच्चा बीमार है, तो बुखार आ रहा है, दस्त लग रही है, सर्दी खांसी हो रही है, इसकी केले से गोली दवा चल रही है, ऐसे बच्चों को भी गोली नहीं देना है। मेरे